नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बताइए सर। लोगों को पहले तो आज आपके लाइव, मेरे लाइव में और इस चैनल पर जितने गार्जियन साथी बहने और भाइयों जी जो लाइव को देख रहे हैं, पहले उनको हमारे तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन है। जो आपके सामने हर एक सच्चाई चीज को आज तक सुरजीत कुमार रखता रहा है, और पप्पू कुमार को भी कितना लोग बदनाम करना चाहा, लेकिन सच के सामने झूठ का दीवार कुछ दिन तक चलता है, कुछ घंटे तक चलता है। मैं तो सिर्फ देखता हूँ, इसके बाद कुछ निर्णय लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज वही कंडीशन फिर हमको बन गई है। मैं तो अभी लाइव आता नहीं, लेकिन मजबूर कर देता है लोग। बिल्कुल, अब जवाब भी देना ही है, उसको लगा दीजिए। आज का सब्जेक्ट है, बहुत लोग मैंने देख भ्रमित हो गए। जी जी, एक ले मैन आदमी एक वीडियो जारी कर दिया, मैं तो उसका कोई दोष नहीं दूंगा, लेकिन जो आदमी इस तरह की बात करे कि कल डिसीजन कोर्ट में जो हुआ उसमें हमारे वकील कहीं दूर दूर तक नहीं थे। जी जी, साक्ष्य बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए मैं बोला था, अपने सम्मान वर्धन गौतम सर को बोला था कि आप लिंक से इस बहस को वहां रिकॉर्डिंग करवाइएगा। जिम ही यहां से गांधी जी के तीन बंदर निकले तब मैं समझ गया था। जी जी, ठीक है ना, कि कुछ ना कुछ करामात लोग करेंगे। लेकिन जितना वो साथी रहे उससे 100 गुना ज्यादा मैं साथी रहूं। अभी मेरे पास बहुत बच्चे हैं लोग। जी जी, समझ गए। जरा सा लोग अभी नहीं समझे कि हमारे पास कोई आदमी सोचता है कि खुद के ई डाल पे, खुद के ऊ डाल पे और बहुत अच्छी तरीके से काम कर ले, तो मैं क्लास चलाता हूँ लोग। इस साक्ष्य के लिए मैं आज उनको रात में, वो जानते हैं वीडियो कितना बजे आया है, 4 बजे भोर में आया। गजब की बात है भाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं, कितने लोग जुड़े हैं, 700 जी, सारे लोग प्रबुद्ध है, लोग सारे एएनएम लोग जी। सभी लोग एकदम कंफर्म हो जाइए कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सुरजीत लड़ रहा है। पूरा प्रबुद्ध टीम मेरा नेतृत्व में, मेरा मैंने समझ लीजिए कि मेरा जितना भी सिपाही है उसमें आप भी सम्मिलित हैं। जी जी, और जितना लोग प्रबुद्ध ग्रुप का है, बिहार के तमाम गार्जियन, बहुत लोग बरगराने का प्रयास किया, एक मैसेज चला ध्वस्त हो गया ना। बिल्कुल, एक एक चीज को बारीकी से दिखा हूं मैं, किसी को क्रिटिसाइज आज तक नहीं करता हूं, और ना मेरी फितरत रही है किसी को बदनाम करने का, ना मेरी फितरत रही है किसी को शिकायत करने का। लेकिन अब हमको पिंच कर देते हैं लोग, भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट में जो वीडियो जारी हुआ वो तो पुलिस नहीं बना दिया सुरजीत कुमार। बिल्कुल, इसीलिए साक्ष्य के साथ मैं आज बताया। और मैं क्या कहूं, जिनको कोई जानकारी ही नहीं है, एबीसीडी की जानकारी नहीं है, मैं लिखता हूं तो बड़ा उनको बुरा लगता है। बिल्कुल पप्पू जी, जब वहां कोर्ट में लोग पहुंचते हैं ना,
तो चेहरा देखिएगा ना सबको, मेरे सामने था लो। कोर्ट की भाषा को समझ लेना, और उसमें भी साउथ इंडियन जज हैं, साउथ इंडियन दोनों तरफ से एडवोकेट हैं। सोच लीजिए, साउथ इंडियन जज हैं, साउथ इंडियन दोनों तरफ से एडवोकेट हैं, उधर भी गिरी जी हैं और इधर कामत जी हैं, और इतनी अच्छी प्रोनाउंसिएशन, इतनी अच्छी इंग्लिश, यहाँ के लेमैन लोग जाके एक वीडियो बना देते हैं और पूरा चला देते हैं, उनको कुछ नहीं जानकारी है। अरे भाई समझो, बात को समझो, तब कोई चीज को साक्ष्य को दो। अब तो कम से कम इतना आदमी मेरा वीडियो तो जरूर वकील को देख लिए होंगे कि कौन बहस किए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर लाइव में शंकर जी जुड़े होंगे, उनका नाम लेके मैं बोलता हूँ, इसलिए बहुत चीज मैं खुलासा नहीं करता हूँ। शंकर जी अगर जुड़े होंगे, उस शिवहर के रहने वाले हैं, रहने वाले तो बाढ़ के हैं, शिवहर में NMR उनकी शायद पत्नी है कोई रिलेटिव, उनसे पूछिएगा, लोग पूछेंगे कि सुरजीत जी कई बजे रात में कैडर रूल का PDF आपसे मांगे हैं। एक दिन पहले बहस के, एक दिन पहले कॉन्फ्रेंस होती है और कामत सर, मैं सम्मान वर्धन गौतम, पुलकित आनंद, समझ गए, इसके बाद खुशी, इसके बाद ऋषि वर्मा, 10 एडवोकेट के साथ मैं भी रहता हूं और ऑनलाइन होती है। तो उस समय मुझे मांगा गया कि सुरजीत जी आपका जो 2018 कैडर रूल का जो PDF है ना, वो हमको मैंने पूरा ट्रांसपेरेंट, वो जो हार्ड कॉपी था नहीं दिख रहा था, तो हमको भेजिए। मैं उनको वहां से बेचारा उनको व्हाट्सएप किया और उन्होंने तुरंत निकाला, इसलिए वो कंप्यूटर चलाते हैं, तुरंत हमको भेजा और तुरंत हमने PDF उनको पास भेजा। लोग सोचते हैं कि एक दिन का सब चीज है, कहीं अगर गलत है तो हमको बताइए ना कि कटु सत्य है कि नहीं है, कि आज इस स्थिति में जो लोग पहुंचा है कि आज हमारी नौकरी होनी चाहिए, किसके बदौलत है? जी। आज जो वीडियो भी बनाता है ना, उसके रिलेटिव भी नौकरी करेंगे, तो यही सुरजीत का दिन है, नहीं तो घर बैठते और जो दोनों हाथ में लड्डू जिनको लिए है ना, वो जाकर के नौकरी करते। बिल्कुल। सीनियर फिर बोला गया है कि सीनियर के नाम पर पैसा लिया गया, सीनियर को नहीं रखा गया, उस समय उनको जवाब मिला अगले बार। कामत सर को जब पिक्चर गई, सारा चीज गया, उपस्थिति आई, ऑर्डर में नाम आया, तब वो भी हुआ। यही करामात डबल बेंच में लोग किया था, याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पैसा की ठगी कर दी गई, ये कर दिया गया, मृगांग मौली सर को नहीं रखा गया, वो उपस्थित नहीं हुए, देखे थे ना, उसका भी साक्ष्य दिया, तो झूठ की कली खुल गई, मुंह पर कालिक लग गया। कल भी यही हुआ कि कामत सर बहस नहीं किए, बोली नहीं निकला, ठीक है, आज उनका वीडियो जब जारी हुआ तो उनका झूठ की कली खुल गई। भाई कितना बरगलाओगे लोगों को, मैं देखता हूं कि ये लोग क्या क्या कैसे कैसे लोग चलता है। हम तो भाई उन लोगों के जैसे रोड पे नहीं ना है, जो मन सुवाया करके लिए, हम अपने कर्म में विश्वास रखते हैं, और मेरे ऊपर जितने लोगों का कॉन्फिडेंस है, लाख कितने लोग कर दे। मैं सुना हूं अभी एक आदमी मुखिया जी जो थे समस्तीपुर के, अभी पश्चिम चंपारण से मुझे फोन आई है, उन्होंने ऐसा ऐसा अभद्र बात एक आदमी को बोला है जो मैं कह नहीं सकता हूँ, टेलीफोनिक कह के बताया गया कि देख लिए, और जब ये रिलीज किए हैं वीडियो, जब लिखे हैं ना, तो उन्होंने मैंने 1000 मैंने उसके लिए गलत शब्द का यूज किए हैं, और मुखिया भी हैं। हमारे साथ प्रबुद्ध लोग क्यों जुड़े हुए हैं? एन एम बहन अगर आप सुन रहे हो, तो आप सिर्फ NM बहन नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, सुरजीत के साथ हर क्वालिटी के आदमी है, और सब जॉब वाले हैं, सब मेरिटोरियस हैं, हम ही को क्यों कहते हैं? उठा के देखिए, मैं आपको बताऊंगा, इसमें 20 ऐसे आदमी हैं जो एकदम अच्छे वेल मेंटेन वाले,
और वेल नॉलेजमेंट है। और आप लोग कैसे दिग्भ्रमित हो जाते हैं किसी के वीडियो पे, प्रबुद्ध बनिए। आप ऐसा कीजिए कि वैसे आदमी को इग्नोर कर दीजिए जो आदमी इस तरह का वीडियो बनाता हो। कहीं साक्ष्य नहीं है, ये इतिहास गवाह है। जब से मेरी केस में मतलब कि पांव रखाई है, सिंगल बेंच से लेके डबल बेंच से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, और जब जब जैसे जैसे पैसा आया है, एक एक रुपए की हिसाब आज तक किसी ने नहीं दिया है। और मैं अभी तक मृगांग मौली सर का हिसाब रखा हूं जो कई रुपए लोग दिया है। इधी चिट्ठा खोल दूंगा ना तो समझ में आ जाएगा लोगों को कौन कई रुपया दिया है। अभिनव श्रीवास्तव सर घर कितना पैसा लगा था और कितना पैसा मुझे कहा गया था बोलने के लिए कि झूठ बोल दीजिएगा, अगर मैं खोल दूं पोल को तो हालत खराब हो जाएंगे लोगों को, इसलिए मत खुलवाओ बहन हमसे कोई बात। मेरे पास जो पैसा आता है ना, एक एक रुपए का हिसाब रहता है। और मैं क्या, अंजू सिस्टर एक एक रुपए का लिखती है और लोग लिखता है, और जो बोलता है वही चीज काम होता है। हमारी कैसी कॉन्फिडेंस है। कुछ लोग इतना निर्लज हैं, कहते हैं कि सुरजीत जी ने गाड़ी ले लिया। अरे तुम आना कभी पटना मेरे पास देखना, मेरे पास कई गो गाड़ी है और कितने लोग हैं। हमारे घर में नहीं है यार, तुम अपना सोचो। पूर्वजों पुरखों ने ऐसा बना रखा है मेरे पास। ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है हमको, समझ गए। साक्ष्य पे आओ, एडवाइस करो, लोगों को अच्छी सलाह दो, कॉन्स्टिट्यूशनल बात करो। अगर नहीं नॉलेज है तो साइड हो जाओ, जाके घर में काम करो। बिल्कुल, लोगों को मत बरगलाओ। जिसको स्टे नहीं बोलने आता, रेट्रोवर्टेड नहीं बोलने आता, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं बोलने आता, वीडियो बनाता है और वीडियो चलाता है, आई एम वेरी नॉलेजमेंट, और दिखाता है। भी पता ही नहीं है कि हम क्या है नहीं है भाई, लेकिन हम छोटे आदमी को क्या बताएंगे। बिल्कुल संवैधानिक लोग बताता है 14 आर्टिकल्स में क्या है नहीं है, बहस क्या हुआ इस पर कोई चर्चा नहीं। आपके वकील क्या बोले इस पर कोई चर्चा नहीं, उनके वकील क्या बोले इस पर कोई चर्चा नहीं। लोगों को क्या समझाने आया हो, वो वीडियो कल जो जारी हुआ क्या समझाया, बस यही लगा कि कामत जी नहीं कुछ बोले और कुछ नहीं दिखा। बेबी गिरी सर क्या बहस किए, क्या रखे, ये तो फंडामेंटल राइट है, लड़ने का अधिकार है उनको। मैं शुरुआत से बोलता हूं आपको भी लड़ने का अधिकार, आप लड़ रहे हैं। उनके वकील पहले आए, ये पहले समझिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे को, मेरे करीबी मित्र भी रहते बात किए तो उनको भी मैं बताया, थोड़ा सा दिग्भ्रमित हुए थे। करीबी मित्र नहीं है मैंने, वो भी इधर उधर वाले हैं तो उनको भी मैं समझाया कि आप भाई रेस्पोंडेंट और पिटिशनर के बारे में जानते हैं, बोला जानते हैं जबकि जॉब करते हैं। उनको भी पढ़ाया थोड़ा सा, लोग बाहर थे, जब हम कोर्ट से निकले तो हमसे मिले हैं, बाकी सब दिन ठीक ठीक थे। 7-8 बजे रात में हमसे बात हुई, हमले पहले। और सारे बहन और सारे जितने भी लोग एकदम लाइव में आराम से सुनिए, स्टेप बाय स्टेप सुनिए कैसे क्या, किसको पहले कैसे मौका मिलता है और सीनियर की क्या प्रायोरिटी बनती है। हम लोग, आप लोग कुछ लोग हैं जो सीनियर को रिगार्ड नहीं करते हैं। चलिए कोर्ट में देखिए, दो ही वर्ड है, रेस्पोंडेंट और पिटिशनर, और तीसरा कैविएटर। आज तक ये तीनों में नहीं डिफाइन कर पाया वो लोग कि हम पिटिशनर हैं, कि हम रेस्पोंडेंट हैं, कि हम कैविएटर हैं। कल भी वीडियो में बोला है कि आप पहले पिटिशनर हैं अर्चना दीदी। भाई तेरा मतलब कि मैं डबल बेंच में हाथ जीत करके फिर हम अपने से सेल्फी किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या बात है, इसे क्या मैसेज आएगा लोगों को। यहाँ भी केस जीते फिर हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, पिटिशनर हम ही वहां है। अरे उठा के केस देखो कि रेस्पोंडेंट में नाम है अर्चना का, उठा के देखो रेस्पोंडेंट में नाम है बीना का।
इसके बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि जिसका पिटिशनर होता है उनके वकील का पहले बहस सुनी जाती है। मतलब घर में जब झगड़ा होता है, जब FIR होता है, तो जिन लोगों को मारपीट होती है पहले उनकी केस ली जाती है। तो भाई आच्छादित हमसे प्रभावित हैं लोग जो हारे हैं हमसे सिंगल मैच डबल मैच, तो वो SLP में गए हैं। तो ये रूल्स कहता है कि पहले उनके एडवोकेट को सुना जाएगा। जलसा हमने सुना उनको, भाई अपनी बात जो दुख दर्द था उन्होंने सुनाया, बोले कि हमारे जितने भी लोग हम पास आउट थे, पास आउट होने के बाद हमारी मेरिट लिस्ट बन गई, सिलेक्शन हो गया, इन्होंने यहां तक भी बताया, और माई लॉर्ड हमको जो है बाहर कर दिया गया। मुख्य रूप से ही बात है, और कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दे दिया। उन्होंने भी रूल्स का हवाला दिया, कैडर रूल्स का हवाला दिया, बाकी इस पर किसी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल बहस नहीं हुआ। लोग एकदम इसको तार तार दे दिया, समझ गए? उस चीज को जब वो बोल लिए, सारा चीज हो गया, तब हमारे कामत सर का बारी आई। इधर हमारे कामत सर थे, इधर शिवम जी थे जो अर्चना जी के वकील थे। कामत सर ने अपना लगभग 25 मिनट बहस किया, उस चीज को उठाया, क्योंकि उनको बात कॉन्स्टिट्यूशनल करना था संवैधानिक तरीके से। अब वो बात बोले तो अब रिस्पोंडेंट की बात होती है, उसका जवाब देना। अब जज साहब उनकी बात पहले सुन लिए, इसके बाद अब रिस्पोंडेंट की बात सुने, उसके बेटर थे। अब इन्होंने 2018 कैडर रूल के बारे में बताया, 2018 कैडर रूल पे बहाली निकली, इसके बाद 2023 में न्यू अमेंडमेंट रूल आ गया। अब न्यू रूल्स क्यों आया, किस नियम से लाए, ये तो गवर्नमेंट बताएगी ना। और इसको बाद उन्होंने साफ कर दिया कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, न प्रोस्पेक्टिव है, मतलब कि 2018 कैडर रूल जो है 23 से प्रभावित नहीं है, तो साफ है, इसलिए जजमेंट मिला था। तो भाई आज जो जजमेंट पास किया है पटना हाई कोर्ट से, जो जजमेंट हुआ है, तो क्या वो कोई लेमन आदमी दिए हैं, या हम जाके अपने हाथ से लिखवा दिए हैं सर से कि सर को आप लिख दीजिए, पास कर दीजिए ऑर्डर, बिना नियम कानून का, चीफ जस्टिस की ऑर्डर है, ऐसे ही नहीं है। सारे चीज पे बारीकी से, और सही बात है कि जब तक कोई चीज बिना बारीकी से देखे हुए ऑर्डर नहीं पास किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की बात है ना, अब वहां से कहीं का सबका दरवाजा बंद है ना। जो संवैधानिक है, जो सही है, जैसा आपको लगेगा कि सही है तो सही है, लेकिन किसी को ऐसे ही यूं ही खारिज कर देना, ये बहुत बहुत गलत है। कुछ दूर माने कुछ देरी के लिए मैं भी बहुत आहत हुआ कि भाई बताओ कैसे कैसे लोग सामने मिला, लोग कुछ नहीं बोल पाया, उनके एडवोकेट से भी मिले। तो मैं सर को बोला, मैं आपको चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं शिवम सर को बोला, हमको बोले कि सुरजीत जी आप तो मेरे बारे में प्रचार कर रहे हैं, हम भेजिए नहीं सर। मैं एक बात बोला हूँ कि हमारे पहले भी उन्होंने केस लड़ा है, लेकिन उनको बताया कि मुख्य रूप से मेरे ही वजह से लोग कहीं जुड़ता है सर, लेकिन मेरा ही शिकायत नहीं करता है। आज भी आपके पास जो आया है लोग ना, मेरे वजह से आया है। क्या अभिनव श्रीवास्तव सर भी कोई जानता था क्या? सुरजीत ने रखा था उनको, और वहां से ना SLP में भेजे, लेकिन सुरजीत के हजारों दरवाजा है, एक नहीं है। बहुत लोग कुछ कह रहे हैं कि हमको इस सीनियर को रखना, तो मैं बताता हूँ, टॉप वन का क्लास का वकील रखो, कपिल सिब्बल को रखो, सिंघवी को रखो, ठीक है, दसाई को रखो, रखो ना बढ़िया बढ़िया वकील, बताता हूँ 20-20 लाख का वकील, 5 लाख के वकील रखने में दम सरक रहा है लोग। 11 लाख रुपए में 3.5 लाख का कोई वकील रखे हैं जूनियर, और 3.5 लाख 3 लाख रुपए आप काट लीजिए मेरे जूनियर को, 3 लाख तो ऐसा ही हो गया।
165,000 का फाइलिंग हो गया कैबिनेट, 4,00,000 समाप्त हो गया, और देवादत्त कामत सर को आप 4,00,000 उसमें से हटा दीजिए, 7,00,000 में देवादत्त कामत सर जैसा सीनियर एडवोकेट के हायर कर लिया और ठीका पैकेज दे दिया, कौन जीता? अभी से चला है बहस करने लो, हम अच्छी अच्छी को कल ही खोल देंगे चाहेंगे तो, लेकिन नहीं खोलते हैं, सोचते हैं अरे हम क्या है, हम कोई छोटा बच्चा नहीं ना है, कोई संवैधानिक तरीके से बात रखो, पूछो, उसको समझाओ, ये समझाना चाहिए। उनके वकील ऐसे बहस किए, मेरे वकील ऐसे बहस किए, आज की स्थिति ऐसे थी, तब ना लोगों को लगेगा, जैसे मैं बताया एकदम संवैधानिक तरीके से बहस हो रही है। और इस अति में भाइयों एवं बहनों समझ लीजिए, किसी को कुछ नहीं कल मिला, आप कहते हैं कि हार गए, कुछ लोग एकदम पूरा माने इसको ऐसा प्रोपेगेंडा फैला दिया कि कुछ नहीं हार गए। या मैं पूछना चाहता हूं उनसे, पूछिए क्या सिंगल बेंच और डबल बेंच की ऑर्डर जो मेरा हाई कोर्ट के था, क्या वो इफेक्टिव कल के बहस से हुआ? जवाब आएगा नहीं, तो जब नहीं तो फिर क्या हो गया? कुछ हुआ ही नहीं। अरे अभी तो इमोशनल उन्होंने बताया कि हम बायलॉट परीक्षा दिए, परीक्षा देने के बाद वो लोग भी अपीयर हुए, यही बात तो पीके साई सर भी रटते रहते थे, इंतरिम आदेश दे दीजिए, इंतरिम आदेश दीजिए, सर भी यही बात बोलते थे, वहां भी यही बात बोली जा रही है। तो भाई जो नियम कहेगा वही ना होगा, नो डाउट एडवोकेट को कहीं कोई आदमी गलत नहीं कहता, लोग यहाँ के एडवोकेट से ऊपर हो जाते हैं, अपने आप को एडवोकेट का जजों से ऊपर मान लेते हैं लोग, पता नहीं एक आदमी पहले ही कह दिया, तो गारंटी के साथ कहता हूं कि 6 तारीख को स्टे लग जाएगा, बाप रे बाप कितना बड़ा गारंटी है, गारंटी का स्पेलिंग ना आता होगा हमको, गारंटी देते हैं, मुझे अच्छी तरह से जानकारी है कि किसके पास क्या नॉलेज है, नहीं है, मैं नहीं खाका खोलना चाहता हूं। 10,000 1,200 लैब टेक्नीशियन के बहाली कराने वाला सुरजीत कुमार है, एकदम प्रबोध इंटेलेक्चुअल, इसमें कहीं कोई नहीं है, एकदम क्रीम है लोग, आप जहां पूछ लीजिए जिस पीएससी में, आपको नाम बता देगा मेरा, और मेरे ऊपर उंगली उठाने वाले को 100 बार सोचना पड़ेगा, और नहीं तो डिबेट कर लेना कभी हमसे, संभव ही नहीं। लोगों को इस तरह के बात बरगलाओ नहीं यार, ऊपर वाला देख रहा है, और हमें 2 ही नैन मेरा नहीं है, मेरा 4 नैन है, हम हर तरह से सोचते हैं और समझते हैं, कोई कदम उठाने के पहले मैं सोचता हूं कि क्या होगा नहीं होगा। मेरे नाम को लेकर के बहुत लोग को बरगलाया गया, बहुत लोग फोटो खिंचा लेना थी, आज उनकी दुकानें बंद हो गई, पहली बात बस यही है, पहली खीज बस यही है कि मैंने बहुतों का दुकान बंद कर दिया जी। और कुछ नहीं है, और हम क्या ले लिया किसी को, थैला में भर के रखते थे, कहते कुछ और थे, देते कुछ और थे, और आज उनका जब ये पतन हो गया तो अब सोचे हैं कि चलिए सुरजीत जी को बदनाम करते हैं, सामने देख रहा है, फोटो वायरल हो रहा है, टाइम टू टाइम अपने ग्रुप में बताया करता हूं कि अभी 28 रियल नंबर पे चल रही है, कामत सर की फोटो आई है, वहां बोल दिया लोग के पास नहीं किए। अरे भाई सीनियर एडवोकेट पैसा क्यों दिया है, बैठने के लिए दिए हमको, हम जो चीज करते हैं ना ठोक ठिठा के करते हैं, बिल्कुल, सबको संविधान में तरीका है अपना अपना अलग तरीके से लड़ने का, अब जिनको नहीं आता तो किसी के बैसाखी पर चलते हैं, हम बैसाखी वाले तो आदमी है नहीं, हमारा जो ब्रेन कहता है वो काम करते हैं, अभी भी केस लड़ रहे हैं, एक केस नहीं लड़ रहे हैं, अभी एक और केस लड़ने जा रहे हैं, अभी एनएम का केस के बाद एक केस और लड़ने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, फालतू फालतू बात है, किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कीजिए, और बारीकी से समझिए कि कल की ऑर्डर में किसी प्रकार की किसी को कुछ नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ अपने बातों को वहां रखा गया है, उन्होंने जो बात रखी मेरे वकील साहब ने उसको काट करके वहां पर बात रखा,
उन्होंने बात रखा कि हम एग्जाम दे के आए हैं, हमको लेना चाहिए, हमारी ऐसे ऐसे बात है। हमारे वकील भी बोले कि ये माय लॉर्ड ऑर्डर जो पास हुआ है ये कैडर रूल 2018 के अनुसार पास हुआ है और 2023 का अमेंडमेंट रूल्स कभी भी बीच में लागू नहीं हो सकता है। जो ऑर्डर है वो मंजूश्री का, आंध्र प्रदेश का सही है। तो जज साहब ने इंटरेस्ट लिया तब ने बोला कि भाई बीच में इस तरह का रूल्स क्यों आ गया, क्या ऐसा जरूरत पड़ा जो सरकार को जिन बीच में इस तरह का रूल्स लाया और किस नियम से लाया। अब आर्टिकल्स 14 का यहाँ पे जिक्र होगी, अब बहस की मुद्दा चलेगा उनकी जब केस, हाँ जब केस एडमिट हो जाएगी उसके बाद बहस होगा। और बात सही भी है, आप घर में खुद रहिए, आप जजमेंट करने पंचायती करने बैठे हैं तो दोनों को सुनिएगा ना, कि ऐसे ही किसी को दे दीजिएगा कि ठीक है आप जाइए घर से वापस चले जाइए। अजी इस तरह के लोग जो बोलते हैं वो गलत बात बोलते हैं, नहीं तो उनको जानकारी का अभाव है और नहीं तो एकदम जीरो पॉइंट नील। इसलिए सभी लोग सवाल है सर, संजीव कुमार शर्मा का सवाल है, संजीव सर आपको क्या लगता है हम लोग केस जीत पाएंगे सुप्रीम कोर्ट में? शर्मा जी इस बात को आप नोट कर लीजिए कि मैं वैसे सड़क छाप नहीं हूं जो लोग पहले बोलते हैं कि एक दावे के साथ कह रहा हूं कि फलना चीज हो जाएगा, हम वो नहीं बोलने वाले हैं। इतना जरूर बोलेंगे कि आप अगर संवैधानिक तरीके से राइट पर हैं तो जीत तो होना चाहिए, अब आश्वस्त रहिए। हम कभी कहेंगे कि हम नहीं जीतेंगे, उधर वाले लोग कहेंगे कि हम नहीं जीतेंगे। संवैधानिक आप मजबूत रहेंगे तो कोई नहीं रोक सकता है। एक दूसरा सवाल राजू कुमार के सर सवाल है सर, मेरा यहाँ सवाल है सुजीत सर, एक और एडवोकेट रखना पड़ेगा या यही एडवोकेट कहे के लिए? ऐसा कोई अति नहीं है, एडवोकेट रखने की क्या जरूरत है, बहुत पैसा कहाँ से आएगा जी, क्योंकि अंजू तो ऐसे ही, अंजू और कुछ आप खुद समझ रहे हैं कितना परेशानी से एक सीनियर एडवोकेट को रखा गया है ना जी, जी ऐसे ही नहीं रखा गया है। नहीं नहीं लोग कल मुकाबले लाना जो हमारे देवदत्त कामत सर सीनियर, तो क्या सीनियर वकील से रखा क्या कल लोग जो सोशल मीडिया पर मुकाबले लाए जो हमारे देवदत्त कामत सर वो तो बोला कि मैंने 100 से 200 के लेवल में है वो जी। और यहाँ 56 है और 60 के बीच में सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट है, वो तो लिखता है कि 100 से 200, बाप रे बाप कहाँ से उसको 200 लोग आ गया सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में। वो सब की तो बातें छोड़ दीजिए, मैं वैसे लोग को कभी नोटिस नहीं करता और न आज के बाद जवाब देंगे, बहुत अति करेगा तब जवाब दे सकते हैं। एकदम संवैधानिक तरीके से आप लोग बात पूछिए कहाँ पे लगता है कि गड़बड़ी हो रहा है, एकदम हम बाई फर्केटेड एक एक चीज का हिसाब देंगे। एक स्टूडेंट सर का सवाल छह अगस्त को ना 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 ये कहना उचित नहीं है क्योंकि नोटिस होगी है, और नोटिस मतलब उसको ये भी नहीं पता है कि कल वीडियो में देखा हूं कि नोटिस नोटिस, अरे USLP का अवगत कराने के लिए नोटिस हुई है। बिल्कुल मतलब कि उनको बोला गया है कि इस विज्ञापन में आपका SLP हो गया है, ये मतलब कि संवैधानिक है, नौकरी कौन देगा, कोर्ट नहीं ना देगा नौकरी, देने वाला तो पटना में बैठा हुआ सर, गवर्नमेंट देगी। अब ए जो है इसको नोटिस जब तक SLP का कॉपी नहीं जाएगा कि आप इस SLP में रेस्पोंडेंट हैं, आप आके जवाब दीजिए, तो वहां से कुछ होगा तब ना इसके पास एक कॉपी आएगी, तब नहीं जवाब देगा तब ना हम लोग को नौकरी देगा। कोर्ट तो सिर्फ सही चीज को देखता है, कोर्ट क्या करता है कि आपने जो नियम बनाया
उसको आप पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कोर्ट है। ये नहीं कि कोर्ट नौकरी देता है, उस सरकार को देखता है कि आपने जो जैसे 2018 का कैडर रूल बनाया, आपने विज्ञापन निकाला, विज्ञापन निकाला कि काउंसलिंग के आधार पर आपको रिजल्ट देनी है, मेधा सूची बनानी है, उसके अनुसार आपको देना है। उसमें कहीं कोई फेल और पास की बात नहीं थी, एग्जाम आ गया। अब उसी बीच न्यू अमेंडमेंट, इसीलिए जज साहब उसमें पूछे हैं उनके एडवोकेट से, एक देखिए सिंगल बेंच में इंतरिम आदेश था, उस समय गवर्नमेंट चाहती कि विज्ञापन कैंसिल कराने के लिए तो ले सकती थी निर्णय, और डेट पूछे वहां पे थोड़ा सा होता है माइंड से स्लिप कर गया था उनका। तो एक एक चीज को बारीकी से जज साहब समझ गए, ऐसी बात नहीं है, वो जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पे, वो जाएंगे तो संवैधानिक पे ही जाएंगे, ऐसा नहीं बहस होगा, वैसे ऑर्डर नहीं पास होने वाला। हम क्यों इतना परेशान होके जाते हैं, अभी भी 10 मिनट पहले बातचीत हुआ है सब चीज, जो भी हम बोलेंगे, जो भी सर जहां पे कुछ होगा आप साफ बताइएगा हमको। सब आदमी अपने तरीके से लगे हैं, वो सब भी अपने तरीके से लगे हैं, जो संविधान कहता है पप्पू जी वही होगा, जो फंडामेंटल राइट है वही होगा, ठीक है। और ऐसे जिनको बोलना है थोड़ा मोड़ा व्यूअर कमा लेना है तो कमा ले मेरे नाम से। एक और सवाल है सर, कल शिवम सर के कारण इसके नहीं मिलेंगे तो इसके मिल जाता है, कल शिवम सर के कारण इसके नहीं मिले, अगर शिवम सर नहीं रहते तो सीबीटी क्वालिफाइड के जो वकील साहब उनको इसके मिल जाते, इस पर क्या इसके मिल जाता। अच्छा ये बात बताइए, इसलिए मैं वीडियो भेजा हूँ कल की बहस का, जो क्वालिफाइंग का जो एडवोकेट है कभी प्रेयर किए स्टे के लिए, पूरा वीडियो भेजा हूं, इसी को झूठ की कलई खोलने के लिए भेजा हूं। इसीलिए बोलता हूं कि जो इस तरह के बात बोलता है ना उसको जानकारी नहीं है, क्योंकि वो तो वहां तड़ेरी देखता है, उसको जानकारी क्या है, जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो उसको ही समझ में थोड़ू है, कहीं भी स्टे ऑर्डर का उन्होंने जिक्र किया है नहीं। पूरा 10 बार उसको वीडियो का देखिए आप लोग, अभी तो फॉर एडमिशन फॉर द एसएलपी था, व्हाट इज द रीजन फॉर द स्टे, अभी उनकी एसएलपी को एडमिशन की बात बहस हो रही थी, उन्होंने अपने बात को सुना रहा था, तो पहले आएंगे तो गोली ही चलाने लगेंगे। अरे पहले उनको जगह मिलेगा, जगह मिलने दीजिए, देन उसके बाद वो कुछ करेंगे, बेचारे की पहले आएंगे तो पहले उखाड़ ही देंगे। ये सब लेमैन आदमी का, इसलिए मैं लिखा हूं कि लेमैन का आदमी पर कभी वीडियो पर विश्वास मत करना, न तो कहूं से कहूं तो सुप्रीम कोर्ट उठा करके वहां से पटना ला देगा। कहीं भी स्टे की बात है जो बोला है वो भी सुन रहा होगा तो सुनो, देखो वीडियो मैं जारी किया हूं, जो भी उनके वकील जो हैं गिरी जी, उन्होंने बहस किया, कभी स्टे की उन्होंने चर्चा की है, कुछ लोग ऐसे हैं अपने बात को, मैं बताया ना कि टेलीफोनिंग किया जा रहा है कि देखिए सिस्टर अब ये 100 को गाली दिए हैं हमको बोले हैं, तो नंबर मांग रहे थे, मैं बोला अरे भाई छोड़िए ये सब, मुखिया जी काहे के लिए सब चक्कर में हैं, जिनको जिसका जितना नॉलेज है करने दीजिए, किसी को पप्पू जी नॉलेज नहीं है, हम अच्छी तरह से जिसको उंगली पकड़ के सिखाया यार कोर्ट में चलने के लिए हम तो हंसे। चलिए और बस, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको धन्यवाद देता हूं और बताता हूं कि आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, सुरजीत एक कदम पे फूक फूक के चलता है, और मैं आशा और विश्वास के साथ आप लोग को कहता हूं कि जो सही है जो सत्य है विजय होगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल हम जीते हैं और जीतेंगे, ठीक है। कल की बहस में कोई हानि नहीं हुई है, आपका जो ऑर्डर पहले था यथावत है, उसमें किसी प्रकार की कोई अभी तक दाग नहीं है,
अब 6 तारीख की बहस होगी, उसमें सरकार नोट को नोट जो एसएलपी के लिए इन्फॉर्मेशन दिया गया है, सरकार अपनी मंतव्य को देगा, अगर सरकार गलत मंतव्य को देगा तो वहां भी मैं घसीटूंगा उसको, पहले से तैयारी है हमको। वो कैबिनेट से भी हार गया है सरकार, क्योंकि अभी ले गया था इस रूल्स को, अभी मैं आवेदन दिया था ना, तो उसमें साफ प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन कह के अब मैं इसमें कोई बदलाव नहीं करूंगा। इसलिए बहने, गार्जियन और भाई और प्रबुद्ध साथियों, इस बात को समझिए, और आज से वैसे आदमी का वीडियो कतई नहीं देखे जिसको पास कोई नॉलेज नहीं है। अगर है कोई साक्ष्य है, आज देखिए डबल बेंच में भी यही बात था, मैं उसको बोला था, उसका भी साक्ष्य देकर के उसको तोड़ा था, उन्होंने बोला था कि मृगांग बोली सर प्रेजेंट नहीं हुए, प्रेजेंट हुए, बहस किए, ऑर्डर आया। इस बार भी वही हुआ कि कामत सर पहला दिन हुआ था कि नहीं है, जूनियर के जूनियर सीनियर के नाम पर जूनियर को पैस मैंने रखा गया है, वो भी दिखाया। फिर कल की बहस में बताया गया कि कामत सर बहस नहीं किए, तो मैं उसका वीडियो रिलीज कर दिया। तो एक झूठ की कलाई मैं खोलते चला गया, और आप लोग अस्वस्थ रहिए जो डरा धमका रहा है कि आप हार रहे हैं, और स्टे लग रहा है कुछ नहीं होने जा रहा। इसी के साथ अब किसी का कोई अति है तो मैं सबको धन्यवाद देता हूं, एकदम रिलैक्स में रहिए, और मैं आप लोग को आश्वस्त करता हूं कि मुझे जो कर्तव्य है मैं बखूबी निभा रहा हूं और निभाऊंगा। इसी के साथ मैं सभी को पुनः क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए आदाब सलाम और नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, समय देने के लिए।